लगता है कि टेप लेना पड़ेगा ना। ऑन कर दिए हो? कर दिए। ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं। ठीक है, अगर होगा तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कर दो, पॉज करो। वेट, मेरे को पकड़ने दो। कौन ऐसा करने बोल रहा है तुमको? तो तुम इतनी स्पीड में क्यों घूम पाए? अच्छा, हम रास्ता के हिसाब से चलाएंगे, फोन के हिसाब से करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, आज मैंने सोचा कि संडे है और संडे को तो वैसे मैं ऑर्डर्स लेती हूँ नहीं, बट बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो एक महीना पहले ऑर्डर दे देते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो संडे निकल जाता है, तो फिर ऐसे में लेना पड़ता है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है लोग इतना फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके ऑर्डर देते। मेरा रूल यही है कि, मेरा नहीं, सारे होम बेकर्स का रूल यही होता है कि आप ऑर्डर दीजिए तो एटलीस्ट 2 days या 3 days पहले ऑर्डर्स दीजिए, क्योंकि बहुत पहले से ही ऑर्डर्स आते रहते हैं और जिस दिन का ऑर्डर मिलता है उस दिन पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं तो रश हो जाता है। बस यही रीज़न होता है, हम लोग कहते हैं कि जल्दी ऑर्डर्स दीजिए। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हड़बड़ी में ऑर्डर देते हैं और हम नहीं ले पाते हैं, तो उनको मे भी ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ऐसा बोला है कि तुम मेरा ऑर्डर नहीं ले रही हो। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग पर्सनल होकर वैसा नहीं करते, सच में एक होता है कि हम लोग टाइम देना चाहते हैं अपने हर एक ऑर्डर पे, क्योंकि हर एक ऑर्डर हमारे लिए स्पेशल है। तो अगर हम आपके ऑर्डर पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और जेन्युइनली हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसे प्लीज़ पर्सनली ना लें। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? करम टोली चौक जा रहे हैं। वैसे हम लोग संडेज़ को डिलीवरी भी नहीं करते हैं, बट जिनका ये केक है वो यहाँ नहीं रहते हैं तो हमें करना ही पड़ रहा है। सो आज हम थोड़ा सा शाम में फ्री थे इसीलिए वो भी जा रहा है, वरना संडेज़ को कुछ नहीं, ना ऑर्डर्स लेते हैं ना डिलीवरी होता है। और कल से मैं ऑर्डर्स नहीं ले रही हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि है बहुत सारा काम और फिर देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। सो बने रहिए। एक्चुअली ये जो केक है इसे सेट होने के लिए, आई मीन वैसे तो नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम से बन जाता है, बट जो फर्स्ट केक मैंने बनाया था वो बटर क्रीम से बनाया था। बटर क्रीम थोड़ा सा डिफरेंट होता है व्हिपिंग क्रीम से, वो शुगर एंड बटर का मिक्सचर होता है। तो जो आज मुझे ऑर्डर मिला था वो सेम इसी का था, तो इसीलिए मैंने ये बनाया। और अभी गड़बड़ ये हो रहा था कि एसी हमने ऑन नहीं किया क्योंकि आज का वेदर बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, जबकि अभी रांची में कितना डिग्री चल रहा है? 30 ना, शायद 30। और रांची की एक ये ख़ास बात है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने के बाद भी बारिश जैसा वेदर हो जाता है, जो कि आज हुआ है। 2 दिन बहुत गर्मी थी और आज 33 है, लेकिन शाम में नॉर्मल रहता है, शाम में मतलब आप ऐसे ही नॉर्मली घूम सकते हो। तो मैंने एसी ऑन नहीं किया था और ये वैसे गड़बड़ नहीं हुआ है, बट इसके लिए थोड़ा सा यही है, प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि इसे ठंड में रखना चाहिए क्योंकि बटर का होता है और बटर मेल्ट होता है गर्मी में। सो होप सो हम लोग जल्दी पहुँचा दे। सो यही सारा चीज़ जो होता है हमें केयर करना पड़ता है, और इसके लिए हमारा जो डिलीवरी चार्ज होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डिलीवरी चार्जेस इतने क्यों लग रहे हैं, बहुत हम लोग जद्दोजहद से बहुत मेहनत करके लाते हैं कि कुछ केक को ना हो, डैमेज ना हो, और ये टॉप फॉरवर्ड है तो ये पूरा ही उल्टा केक है जिसको सीधे सीधे लाना पड़ता है, तो हम लोग इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये चीज़ कंसिडर कर लिया जाए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो ये सब चीज़ समझते हैं और इसलिए वो कभी कुछ नहीं बोलते। कभी कभी क्या होता है कि कोई न्यू ऑर्डर करते हैं तो उनको थोड़ा सा लग जाता है कि डिलीवरी के लिए इतना चार्जेस लग रहा है एंड ऑल, बट हम लोग जैसे जो हिसाब से रहता है, जैसे अगर नॉर्मल केक्स है तो हम 2-व्हीलर में ही कर देते हैं, बट अगर कुछ ऐसा डैमेज होने जैसा केक्स होता है तो हम 4-व्हीलर में करते हैं ताकि सेफ्टी के साथ हो जाए। सो ये सारी चीज़ें हैं। आज मैंने यही सोचा कि डिलीवरी के बारे में आप लोगों से शेयर करूं, और बहुत सारा डाउट्स होता है लोगों का तो वो सब भी क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? सो ये है टॉप फॉरवर्ड केक, यही ऑर्डर है और बहुत रिस्क होता है। करोगे तब? ओके, सो ये है
हमने कैमरा का थोड़ा सेटिंग किया है और ये लग रहा है GoPro जैसा, बट फोन को एडजस्ट करके, वैसे कोई स्टैंड नहीं है, थोड़ा जुगाड़ू वाला हमने कैमरा फिक्स किया। मेरे से मैप कभी भी सही नहीं होता और ही इज़ द मैप गाय, इसीलिए हम लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं जहां भी जाना है। छोटे से छोटे गली में भी ये पहुंचा देता है, वरना मेरे से तो कहीं और ही पहुँच। सो वी थोड़ा आराम से, क्योंकि एक हाथ से फोन, वी रीच द डेस्टिनेशन फाइनली। बात करो। जस्ट पहुंच गए हैं बाहर में अपार्टमेंट। अच्छा ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप एक बार बस यूपीआई शेयर कर दीजिए ना इस नंबर पे। अच्छा ठीक है, शेयर कर दे रहा हूँ। ओके गाइस, यूपीआई सबसे बेस्ट चीज, मेरे को बोलने दो, सबसे बेस्ट चीज वो होता है जो क्लाइंट बोलते यूपीआई शेयर कर दीजिए, और पैसे ही पैसे। मतलब सबसे अच्छे क्लाइंट्स वही होते हैं ना जो सबसे पहले केक लिए भी नहीं होते, बोलते आप यूपीआई शेयर कर दीजिए, और बहुत सारे होते हैं जिनको बोलते रहना पड़ता है कि पैसा दे दो। सो फाइनली हमारा डिलीवरी डन, और अब हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा कुछ इवनिंग स्नैक्स हो जाए। सो अभी तो पैसे ही पैसे हैं, तो थोड़ा ऐसे कुछ बात नहीं है, पैसा आया कि नहीं कि कहाँ जाते हैं सारा पैसा, हम लोग पेट में खाने में ही पैसा उड़ता है बहुत ज्यादा, हमारा ही उड़ता है, मेरे पास तो है ही। तो हम लोग अभी देखते हैं कि कहाँ थोड़ा सा ऐसे ही हैंग आउट करने के लिए चलते हैं कहीं पे, और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते हैं। चलें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आते हैं, हमारा कॉमन हैंग आउट प्लेस है ना, बहुत ज़्यादा। क्या क्या है? चिकन पॉपकॉर्न एंड आलू टिक्की बर्गर। हमें, हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ क्योंकि आज संडे है, लेकिन भी हम लोग ठूस रहे थोड़ा बड़ा। तो थोड़ा हमारा पेट पूजा भी हो गया, मतलब हम लोग इतना थोड़ा सा ऑर्डर किए बट फिर भी हमारा पेट पूरा भर गया। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब ज़्यादा देर कोई बाहर रहेगा तो स्वेटर पहनना पड़ेगा ना, सोच लीजिए रांची का मौसम, मतलब दिन में 33 डिग्री सेल्सियस और शाम को ठंडी। तो हमारा खाना पीना हो गया है, डिलीवरी भी हो गया है, और आज मेरे 3 केक्स थे, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कौन कौन से थे, जो अभी हमने देने गए वो था टॉप फॉरवर्ड केक, और था एक 2 pound का था, और एक था 1 pound का चॉकलेट केक। सो इसी तरह से ऑर्डर्स मिलते जाते हैं और मैं बनाते जाती हूँ, और फिर अभी हम लोग घर ही जा रहे हैं, ज़्यादा लेट भी नहीं करना है। ये छोटा सा आज का मिनी ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था, लेकिन बस मन था कि आज का ये ऐसे ही डिलीवरी वाला ब्लॉग करे, तो फिर वो भी हो गया, और आज संडे भी था तो थोड़ा सा मन किया कि आप लोगों के साथ मिलूं थ्रू यूट्यूब। तो फिर चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, एंड बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी, तो होप सो हम लोग वो सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय, से बाय 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 बाय।